हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रीना व्यास चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक्स्ट्रा ग्लोइंग अमेजिंग एक पैक की, जो मैंने बिल्कुल घर की चीज़ों से, जो डेली आपके रूटीन में यूज़ में आती है और इजीली अवेलेबल भी हो जाती है, ऐसे ही चीज़ों से मैंने एक पैक बनाया है। इस पैक को आप पूरी बॉडी पर लगा सकते हैं और इस पैक को आपको 15 मिनट तक अपने स्किन पर लगा के रखना है। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं हमने इस पैक को किस तरह से बनाया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे टमेटो के कुछ पीसेस लिए हैं। टमेटो में विटामिन सी होता है, ये आपकी स्किन को क्लियर करने में हेल्प करता है और ये नेचुरल सनस्क्रीन का भी काम करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। नेक्स्ट हमने लिया है पटेटो। पटेटो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है, ये स्किन को एक्सफोलिएट करता है। इसमें एक एंजाइम होता है जो आपकी स्किन को ब्राइट करता है, नेचुरल ब्लीच का काम करता है और ये डार्क स्पॉट और डार्क सर्कल को भी ख़त्म करता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कुकुम्बर। इसको मैंने थोड़ा सा किस लिया था ककड़ी को और इसका पानी निकाला नहीं है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे विटामिन सी, फॉलिक एसिड, और ये स्किन को नरिश करता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है रोज़ पेटल्स। रोज़ पेटल्स में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है और ये बहुत ही अच्छा एस्ट्रीजेंट होता है स्किन के लिए। इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होती है और ये बहुत अच्छा होता है अगर आपकी ऑयली स्किन है, एक्ने है, तो ये आपके लिए वंडरफुल रेमेडी है। इसके बाद में लास्ट में मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मुल्तानी मिट्टी। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करता है, ये इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो कि आपकी स्किन को बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। उससे ये आपकी स्किन के जो पोर्स होते हैं उसको भी श्रिंक करते हैं और ब्लैकहेड्स और वाइट हेड्स को भी रिमूव करती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये 5 चीज़ें ली हैं। इन 5 चीज़ों को लेना ज़रूरी नहीं है, इनमें से कोई इन्ग्रीडियंट अगर आपके पास नहीं हो तो आप उसमें से किसी भी एक चीज़ को स्किप कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी लेना ज़रूरी है और मुल्तानी मिट्टी की जगह पे आप बेसन पाउडर ले सकते हैं या फिर आप उड़द की दाल का पाउडर ले सकते हैं या फिर आप मसूर की दाल का पाउडर भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, चंदन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी 4 चीज़ों में से किसी भी चीज़ को आप स्किप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन 4 चीज़ों को मैंने इनका अच्छा सा स्मूथ एक पेस्ट बनाना है। मुल्तानी मिट्टी को रात को मैंने पानी में गला दिया था, अगर आप इसको पाउडर फॉर्म में मंगवाते हैं तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक जार लिया है, इस जार में ये सारी चीज़ों को डाल के और इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपकी स्किन एक्सट्रीम ड्राई स्किन है तो आप इस पैक में कोई भी ऑयल मिला दीजिए, जैसे कि आप नारियल का तेल मिला सकते हैं, थोड़ा सा 1 चम्मच नारियल का तेल या बादाम का तेल या जैतून का तेल, ऐसा कोई भी तेल मिक्स करके अगर आप लगाएंगे तो इसको निकालने के बाद में आपकी स्किन में ड्राइनेस नहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, क्योंकि मैं 100 के ऊपर पहुँच गई हूँ, और जिन्होंने नहीं भी किया है उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इस वीडियोज़ को देखते हैं। तो थैंक यू सो मच। और ये चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मुझे कमेंट करके क्वेश्चंस किए हैं, एक हेयर फॉल के लिए भी कमेंट आया है, मैं डेफिनेटली उस पर एक वीडियो बनाऊँगी, मैं उसी की प्रिपरेशन में लगी हूँ। लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी एक ऐसी रेमेडी बताऊँगी जिसकी हेल्प से आपका हेयर फॉल तो रुक ही जाएगा, साथ में आपके नए हेयर भी आना चालू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा वेट भी करना पड़ेगा और कुछ प्रिकॉशन भी लेने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसी आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हर चीज़ का आंसर दूंगी। आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं कोशिश करूंगी कि उसके बारे में मैं आपको अच्छे से अच्छा सजेशन दे सकूं। और ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है या इससे आपके अंदर किसी भी तरह का कोई चेंज आता है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लाइक बहुत कम मिलते, बहुत सारे लोग इस चैनल को देखते हैं पर लाइक बहुत कम मिलते। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने स्मूथ पेस्ट रेडी कर लिया है। इस पेस्ट को आपको 15 मिनट तक अपने फेस पे लगा के रखना है, ये टैनिंग को भी रिमूव करेगा, तो आप इसको हैंड पे भी लगा के रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा सूखने नहीं देना है, बहुत स्किन खिंचाने लगे उसके पहले आपको इसको रिमूव करना है।
तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आपको इन्फॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और फिर मिलते हैं कि कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक बाय।